हमने इसकी एमएमसी चेंज की है माइक्रोन टू सैमसंग। इसको पूरा प्रोसेस समझना है, देखिएगा इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में मैंने बताई हैं। तो आप जब आएंगे तो आपको क्लास में मिलन सर मिलेंगे, जो आपको बहुत बेहतर तरीके से, बहुत स्टेप टू स्टेप और आपसे खुद करवाएंगे प्रैक्टिकल। आप अगर 10 फ़ोन लाएंगे एमएमसी चेंज के लिए तो 10 फ़ोन की एमएमसी साथ में लेके आएगा, बट ध्यान रखिएगा आप हमसे भी मिल जाएगी, पर आपको परचेस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एमएमसी रेंज जो कॉस्ट होता है लगभग 1000 रुपये के पास आसपास होता है। तो ये मान के चलो, अगर आप सिर्फ सॉफ्टवेयर पर, देखिए फ्लैश होना चालू कर दिया है, ओके, अगर आप सिर्फ सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं, अगर आप एमएमसी पर काम करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल हमारे पास आइए। हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं मिलन सर एमएमसी प्रोग्रामर, वो बहुत आपको अपनी जिसको बोलते ना एक्सपीरियंस के थ्रू सिखाएंगे। एक होता है जो बेसिक एमएमसी पढ़ा देता है, हम आपको एमएमसी घोल के पिला देंगे, आपको ब्लैक पेस्टेड मलाई जैसा कर देंगे। और अपने पास एमएमसी चेंज बोर्ड लेके आइए, आप फेसबुक में जाइए, जिन्होंने नहीं जानते हैं वो फेसबुक में जाइए, फेसबुक में लिखिए एशिया टेलीकॉम, सर्च कीजिए हमें, हमारी प्रोफाइल को, और वहाँ पे आप कल की क्लास को लाइव देखिए। वीडियो देखते रहना भाई, इसके बाद एक नया वीडियो डालने वाला हूँ सैमसंग का प्रोग्रामिंग। ये सैमसंग A30 है, लोगो पर है, इसको हम प्रोग्राम करेंगे, और इसके प्रोग्रामिंग का मैं पूरा कंप्लीट वीडियो डालना चाहता हूँ। और तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 5-10-15 हज़ार रुपये के साथ एडजस्टमेंट मत कीजिए, अपनी जिंदगी के साथ बड़ा डाउ मत खेलिए। एक बार एसर टेलीकॉम आइए, लाइव जाइए अभी और आज ही देखिए, आज के दिन में लाइव क्या बच्चों को दिया जा रहा है, देखिए सर। थैंक यू वेरी मच। अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं? तो हाय माय यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग? और आज एक फ़ोन लेकर आए हैं, ये है MI A2, ये आप देख सकते हैं। और इस फ़ोन को मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है हैंग ऑन लोगो, और ये फ़ोन हमारे पास आया हुआ है, हैंग ऑन लोगो पर है दोस्तों ये फ़ोन। और इस फ़ोन में लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ MMC, ये देखिए इस फोन में लगा हुआ है MMC माइक्रोन का, आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए इसमें लगा हुआ है माइक्रोन का MMC। और दोस्तों इसको फ्लैश भी करेंगे ना तो ये चालू नहीं होगा और एरर में आ जाएगा। तो ये माइक्रोन का MMC होता है, सैंडिक्स का होता है, जैसे बोलते हैं ना बहुत सारे फ़ोनों में नोट 5 प्रो नोट 6 प्रो ज़्यादातर जो फॉल्ट आते हैं इसमें है ना, इसको MMC चेंज करके ही बनाना पड़ेगा। ये नॉर्मल, अगर ये नॉर्मल फ्लैशिंग से बन जाता तो पहली बार हमारे पास कभी नहीं आता, तो ये आप बात समझिए। तो आइए हम इसकी MMC चेंज करेंगे, और MMC चेंज का जो IC, ये देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ से इस सेट के निकाल कर रखा है, ये हमारा ही सेट है जो हमने फ्रेश मॉडल परचेस करते हैं। और ये नोट 5 प्रो है, इसका हमने MMC निकाल लिया है, और ये है BGA 254, सैमसंग का एक BGA है। सो MMC चेंज की प्रोसेस आप पूरी क्लास में आके समझ सकते हैं हमारे प्रोग्रामर एक्सपर्ट मिलन सर के थ्रू। तो आप जब आएंगे तो आपको क्लास में मिलन सर मिलेंगे, जो आपको बहुत बेहतर तरीके से, बहुत स्टेप टू स्टेप और आपसे खुद करवाएंगे प्रैक्टिकल। आप अगर 10 फ़ोन लाएंगे MMC चेंज के लिए तो 10 फ़ोन की MMC साथ में लेके आएगा, बट ध्यान रखिएगा आप हमसे भी मिल जाएगी, पर आपको परचेस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये MMC रेंज जो कॉस्ट होता है लगभग 1000 रुपये के पास आसपास होता है। तो ये मान के चलो ये मैं 64 GB की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और इससे ज़्यादा हाई हो जाता है, बट अब ये लगाकर आप अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। आप वो काम कर सकते हैं जो सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर में फ्लैशिंग करने के बाद भी वो डेड कर दे रहे हैं, या सॉफ्टवेयर में फ्लैशिंग करने का जिनका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। सो दोस्तों ये एक प्रैक्टिकल वीडियो है MI A2 पर, हम इस पर ये MMC लगाएंगे, इसको चेंज करेंगे। मैं आपको इसका वर्जन दिखाता हूँ यहाँ पर, ये देखिए, तो ये वाली MMC हम लगाएंगे, ये सैमसंग का MMC है, और इसका हम RPMP क्लीन करेंगे। बेसिकली पहले इसको हम क्लीन करेंगे, इसके अंदर जो काउंटर्स हैं
या बात करूँ, इसके अंदर जो हार्डवेयर आईडी है जो हमारे सीपीयू के साथ मैच है, तो वो आईडी को डिसेबल करेंगे, काउंटर को रिलीज करेंगे और इसको क्लीन करेंगे कि हम किसी भी फ़ोन में कंपैटिबिलिटी फ़ोन में लगा सकें। और उसके बाद इसको हम एक इंजीनियरिंग फाइल के साथ, जो मॉडिफाई फाइल होती है उसके साथ फ्लैश करके उसको ऑन करेंगे। बट इसमें इस वीडियो में सिर्फ एक कंटेंट की कमी रहेगी जो आपको क्लास में आके करना पड़ेगा, क्योंकि उससे भी वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई मतलब का नहीं है। आप हमारे क्लास आई एस टेलीकॉम और ईएमएमसी प्रोग्रामिंग, जब हार्डवेयर आप मेरे से सीख के जाएंगे, आपको बूट का देखने का नज़रिया बदलवा दूंगा। जब आप सॉफ्टवेयर दुर्गेश सर से सीखेंगे तो आपको फ्लैशिंग का इतना सरल ट्रिक मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते। और ईएमएमसी प्रोग्रामिंग में आपको एक्सपर्ट बनाएंगे हमारे मिलन सर विद प्रैक्टिकल हैंड। लाइट सेट्स, अगर आपका लाइट ख़राब है तो मैं आपसे लाइट लाइव रिपेयर करवाऊंगा, ये हमारी क्लास का प्रोटोकॉल है। बट अगर आपका ईएमएमसी ख़राब है तो ईएमएमसी भी आपसे लाइव रिपेयर करवाएंगे। तो स्टेप टू स्टेप हमारा सीखने का, सिखाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। हम एक टीम बन के काम करते हैं और यहाँ पर आप जब इसे टेलीकॉम आएंगे तो आपको खुद लगेगा कि यार लाइफ बदल दी, पैसा वसूल है। तो मैं इस ईएमएमसी को लगाता हूँ, बस मैंने बोला एक कमी है कि इसमें सिक्योरिटी मैं इस वीडियो में नहीं दिखाने वाला। तो आपको ऐसा नहीं है नहीं दिखाने वाला कि पूरे यूट्यूब में नहीं, आप अगर यूट्यूब देखेंगे तो बहुत से लोग सिक्योरिटी बता रहे हैं, तो इसको डायग्नोस मोस्ट क्यूसीन फाइल डाल के आईएमईआई को रिपेयर कर सकते हैं। बट ये चीज़, मैं वीडियो को लंबा हो जाएगा इसलिए नहीं कर रहा हूँ, बट मैं अभी फ़िलहाल ये डेड फोन को मैं रिपेयर कर रहा हूँ और इसको ऑन कर रहा हूँ। अगर मैं अभी आपको दिखाऊँ कि ये सेट लोगो पर है, तो दिखा देता हूँ मैं आपको। तो आप देख सकते हैं सेट अभी लोगो पर है। तो चलिए दोस्तों, हम इसका एमएमसी उतार देते हैं और इसका एमएमसी उतार कर ये MI A2 हम इसमें एमएमसी लगाएंगे अपनी ये। बट अभी हमने इसको क्लीन नहीं किया, बट मैं पहले इसको उतार लेता हूँ, क्लीन कर लेता हूँ, क्योंकि ये रिबॉल करके रखी हुई है, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए ये रिबॉल करके रख ली है। तो आइए चलिए इसको टाल लेते हैं और ईएमएमसी चेंज प्रोसेस दोस्तों को ज़्यादा हार्ड नहीं है। मसले से भी ये है कि आपके पास ना ईएमएमसी चेंज फाइल होनी चाहिए। अगर आप ईएमएमसी पे काम कर रहे हैं तो ये आपका काम बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा। तो देखिए मेरा बोर्ड क्लीन हो चुका है। अब ये मेरी ईएमएमसी है, जैसे कि मैं आपको बता चुका था। अब सबसे पहले आइए इसका आरपीएम भी क्लीन करते हैं। तो दोस्तों मैंने इसमें आईसी कनेक्ट कर दी है और आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, अभी मैंने स्क्रीन को भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ साथ में। अब यहाँ पर अगर मैं बैक पहले मैं आइडेंटिफाई भी कर लेता हूँ एक बार। तो देखिए मैंने आइडेंटिफाई किया है, तो यहाँ पर मेरा जैसे कि नोट 5 प्रो आप दिख रहे हैं, नोट 5 प्रो में नोट 5 आता है यहाँ पर। ये इसका सीपीयू है, ये इसका वर्जन है और सैमसंग का आईसी लगा हुआ है 64BG8 हमारा 254 यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ आपको ये बूट पार्टीशन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इसका साइज दिखाई दे रहा होगा और ये दिखाई दे रहा होगा काउंटर से आपको पता चल रहा होगा कि अभी क्लीन नहीं है। अगर हम इस पर डायरेक्ट फाइल चलाएंगे, आप पोर्ट बना के लगा देंगे और फाइल चलाएंगे तो हमारा फ़ोन चालू नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर जो सीपीयू का काउंटर है वो ये है। तो अभी हमें क्या करना होगा, हमें ऐसी CHD 1.8 वर्जन जो है, ये इसकी ईएमएमसी का वर्जन है, तो ये सारी चीज़ें तो ठीक है, हमें इसका आरपीएम भी क्लीन करना होगा। तो सबसे पहले हम
आरपीबी क्लीन करने से पहले हम एक काम करते हैं, इसको पहले रीसेट कर देते हैं। तो देखिए, और इसके बाद इसको कंप्लीट रीसेट कर देते हैं। एक बार इसका नैन टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, नैन भी सही है। और एक बार इसकी हेल्थ चेक कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि SLC और MLC भी दोनों सही हैं। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हमारी IC बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी है, बट हमारा काउंटर, आप देख रहे हैं, ये सब करने के बाद भी काउंटर नहीं जाता है। इसलिए मैंने ये सब किया, ये बताने के लिए कि अगर आप इसको फैक्ट्री रीसेट या फुल एरेस्ट भी कर देते हैं तो भी ये काउंटर कभी अपना रिलीज नहीं करती है। तो ये करने के लिए आपको सबसे पहले हम इसकी एक जो MMC का फर्मवेयर फाइल है उसको हम रीड कर लेते हैं। आपको बहुत शांति से ये काम करने पड़ेंगे, और ये काम बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है पर बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है, पर सीख जाने पर इस काम बहुत आसान लगता है। सो ये हमारे पास जो फाइल आ गई है, तो दोस्तों ये जो हमारे पास ये जो फाइल आ गई है आप देख सकते हैं, ये फाइल हमारी MMC का फर्मवेयर है, FFU फाइल बोलते हैं इसको। अब हम अपना फाइल को, जगह आपको अगर RPM भी क्लीन करनी है तो आप ये अपडेट MMC फर्मवेयर में हम इसको टिक करेंगे, और यहाँ पर ये बोलता है कि रिक्स हो सकता है, आपका MMC डेड भी हो सकता है, बट आप बिल्कुल इसको कीजिए, इसमें कोई रिक्स नहीं होता है, फिर भी 1% मान के चलिए, कुछ भी हो सकता है, ये तो सॉफ्टवेयर है। तो हम इसको यस करेंगे, और अब आपको कुछ भी नहीं टच करना है, आप इसको चेक कीजिए। तो ये स्विच टू बूट मोड पर जा रहा है, तो जैसे ये डन दिखा देगा तो यहाँ पर आपको दिखा देगा नीचे प्रोग्रामिंग, जो हमारा काउंटर दिखाई दे रहा होगा वो हमारा काउंटर होना चाहिए, सो येट टू बी प्रोग्राम ऐसा लिखा होना चाहिए हमारा काउंटर। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों वीडियो में आपको बता रहा हूँ, RPM भी कैसे क्लीन करते हैं। हाँ, और अगर आपको कैसी लगी है मुझे बताएगा जरूर, और ये उन भाइयों के लिए जिनको जानकारी नहीं है, और जिनको जानकारी है और जो अपना वीडियो ये देख रहे हैं तो प्लीज़ बस देखिए, और अगर आपको लगता है कि चैनल में आपको अच्छी जानकारी मिल रही है तो ही सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज सब्सक्राइब मत कीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर लिया गलती से तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए। ये चैनल सिर्फ मैं उन लोगों के लिए रखना चाहता हूँ जिनको ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ पर RPM भी, अभी मैं MI A2 का फ़ोन ऑन करना है मुझे, MMC चेंज करना है। MMC कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये हम बेचते नहीं हैं दोस्तों, हम इंस्टीट्यूट चलाते हैं, हम व्यापार नहीं करते, हम बिजनेस नहीं करते, इसलिए हम ना टूल बेचते हैं ना हम कुछ बेचते हैं, बाकी हम अपने स्टूडेंट के लिए उपलब्ध करवा देते हैं ये हमारे, क्योंकि वो स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, पर बाकी हम यहाँ पर कोई बेचने का काम नहीं करते हैं। आप देखिए कहाँ आप खरीद सकते हैं MMC। बाकी मैं एक सेलर का नाम दे देता हूँ, यह है ZX मलिक, आप इनसे परचेस कर सकते हैं। सो 8 सेकेंड्स कुछ सेकेंड का है, और ये हमारा कार्ड रेडी हो जाएगा दूसरे फ़ोन में लगाने के लिए। देखिए, तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग CID डन हो चुकी है, ये कम्प्लीटली रीसेट हो चुकी है, और अब मैं वापस को आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ और देखूँगा कि मेरा जो काउंटर है, तो आप देख रहे होंगे जो अब काउंटर है वो चले गए हैं, और ये की है नॉट येट प्रोग्राम, नॉट येट मतलब अभी तक प्रोग्राम नहीं है। सो हम इसको यूज़ करेंगे। सो अब क्योंकि हमें इसको हमारे Y2 में, इसको हमारे इस Y2 में लगाना है, तो इसके लिए इसको हम कॉलकम का कॉन्फ़िगरेट देंगे, हम इस ESC CHD फाइल भी दे सकते हैं आप, बट मैं यहाँ पर टिक करूँगा और कॉलकम में टिक कर दूँगा। अब मैं इस फ़ोन को कनेक्ट करूँगा, तो USB पोर्ट बनना चाहिए मेरा, और उसके बाद मैं इस फ़ोन को फ्लैश करूँगा मॉडिफाई फाइल के साथ।
और दोस्तों ये वीडियो देखते रहना भाई, इसके बाद एक नया वीडियो डालने वाला हूँ सैमसंग का प्रोग्रामिंग। ये सैमसंग A30 है, लोगो पर है, इसको हम प्रोग्राम करेंगे और इसके प्रोग्रामिंग का मैं पूरा कंप्लीट वीडियो डालना चाहता हूँ। और तो ये वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं हमारे माइक्रोस्कोप के पास। ये हमारा आईसी, तो दोस्तों ये हमारा फ़ोन, हमने आईसी लगा दी है, अब हम इसमें फ्लैश करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने स्क्रीन रिकॉर्डर को ऑन कर लेता हूँ, ऑलरेडी रनिंग है। तो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर को ऑन कर लिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं, और ये पिछली बार जब UEFI पे मैं काम कर रहा था तो ये रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, बट कोई बात नहीं, अगले कोई वीडियो में कर लेंगे। अब सबसे पहले हम पोर्ट चेक करेंगे, तो हम इसको पोर्ट में बनाते हैं इस फ़ोन में। ठीक है, पोर्ट बन गया है। अब हम अपना टूल ओपन करेंगे, QCFire, और QCFire टूल ओपन करके हम इसके अंदर अपना मॉडिफाई फाइल डालेंगे और इसको ऑन करेंगे। तो दोस्तों ये कम्प्लीटली वैसा ऑन नहीं होगा क्योंकि इसमें सिक्योरिटी फाइल नहीं होगी, तो हमें सिक्योरिटी फाइल देने के लिए हमें इसको सिक्योरिटी देना होगा, जो कि हम वीडियो में नहीं दिखाएंगे, वीडियो में किसी अगले वीडियो में शो कर दूंगा। वैसे मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, यहाँ मैं सिर्फ दिखाना चाहता हूँ UMC चेंज प्रोसेस, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसका फाइल सिलेक्ट करता हूँ, प्रोग्राम फाइल XML, और जहाँ मेरा फाइल रखा हुआ है मैं वहाँ पर चले जाता हूँ डायरेक्टरी पे। ये मेरा फाइल आ गया दोस्तों, अब मैं इसको फ्लैश कर देता हूं। सो आप देख सकते हैं कि यहां पर मेरा फोन रिडेक्ट कर लिया है इसमें लोडर, और अब ये मेरा फोन फ्लैश होना चाहिए यहां पे कम्प्लीटली और ऑन हो जाना चाहिए। तो ये मेरी प्रोसेस है इस वीडियो को दिखाने के लिए, और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग में MMC पे काम सीखना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ सॉफ्टवेयर पे, देखिए फ्लैश होना चालू कर दिया है, ओके, अगर आप सिर्फ सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, अगर आप MMC पे काम करना चाहते हैं, सो आप बिल्कुल हमारे पास आइए। हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं मिलन सर, MMC प्रोग्रामर, वो बहुत आपको अपनी जिसको बोलते ना एक्सपीरियंस के थ्रू सिखाएंगे। एक होता है जो बेसिक MMC पढ़ा देता है, हम आपको MMC घोल के पिला देंगे, आपको ब्लैक पेस्टेड मलाई जैसा कर देंगे,
और अपने पास MMC चेंज बोर्ड लेके आइए। अगर नहीं है IC तो हम अपनी तरफ से देंगे, बट वो चार्जेबल होगा MMC चेंज का IC, क्योंकि वो कॉस्टली होता है, 1000 रुपये के ऊपर का होता है। बट हम आपका सेट ऑन करवा देंगे, आपसे करवाएंगे, आपसे लगवाएंगे, आपसे पूरी प्रोग्रामिंग आपका पूरा करवाएंगे हम। उसमें आपको सिर्फ वन टाइम बताएंगे और सारी प्रोसेस आप खुद करोगे अपने लैपटॉप पर। आपके अगर लैपटॉप नहीं है तो आप हमारे जो किसी दूसरे स्टूडेंट है उसके लैपटॉप पर भी ये प्रोसेस कर सकते हो, बट आपके पास सबके पास लैपटॉप होता है, ये कॉमन चीज़ है। और उससे बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि अगर आप हार्डवेयर सीखना चाहते हो तो हमारा ये 28 अप्रैल का बैच, अगर आप हार्डवेयर सीखना चाहते हो दोस्तों तो ये हमारा 28 अप्रैल का बैच है, इसको आप ज्वाइन कीजिए। हमारे यहाँ 2-3 सीटें बची हुई हैं, रमज़ान का मौका है और ईद हमारे साथ मनाइए अगर मुस्लिम भाई हैं, और जो हिंदू भाई हैं वो भी आइए, ज्वाइन कीजिए इस बैच को। कॉल कीजिए, जो नंबर मैं दे रहा हूँ खासतौर पे 7007, डायरेक्ट कॉल कीजिए, किसी भी टाइम कॉल लगाइए और डायरेक्ट एडमिशन लीजिए। सोचिए मत दोस्तों एसर टेलीकॉम, और डेली अपना काम दिखाइए अपने घर वालों को, डेली लाइव आइए और हम आपसे लाइव में पूछेंगे कि आज आपको जो भी पढ़ा है वो आपको बना कि नहीं बना। लाइव हम कोई हाइट, कुछ भी हाइट नहीं रखेंगे आपके साथ। आपको 2 दिन में आपको लगेगा आपकी फीस, 2 से 3 दिन में आपको लगेगा कि आपकी फीस निकलना चालू हो गई है, 4th दिन में तो आपको लगेगा आपकी फीस निकल चुकी है, आप ब्याज वसूल रहे हो। बट क्योंकि ये इतना सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ सिखाना है, सर्किट लेवल IC लगाना, CPU लगाना, आपको बोर्ड लेवल पे, चिप लेवल पे, आपको पूरा सर्किट की कोडिंग, आपको DSO फ्रिक्वेंसी के साथ में सर्किट सप्लाई, उसके बाद सॉफ्टवेयर बेसिक से एडवांस, उसके बाद में MMC जो हम किसी भी IC को चेंज करने लायक हो जाएंगे। सो ये सब कुछ आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आप मौका है आपके पास IC टेलीकॉम को ज्वाइन करने का। आप फेसबुक में जाइए, जिन्होंने नहीं जानते हैं वो फेसबुक में जाइए, फेसबुक में लिखिए एसर टेलीकॉम, सर्च कीजिए हमें, हमारी प्रोफाइल को, और वहाँ पे आप कल की क्लास को लाइव देखिए। कल देखिए बच्चों ने, अभी जो हमारी लाइव चल रही है क्लास, अभी मेरे ख्याल से देखिए अभी 7:15 बज रहे हैं, और हो सकता है ये वीडियो मैंने रात में अपलोड किया हो 8, 9 या 10 बजे करीबन, और आप ये वीडियो 10 बजे या अगले दिन देख रहे हो या कभी भी, पर आप हमारी क्लास आज की देखिए, देखिए कि तो चलिए ये हमारे यहाँ पर डन हो चुका है। तो फेसबुक में जाइए लाइव देखिए। अब आइए यहाँ पर डिस्प्ले लगाते हैं और देखते हैं कि हमारा सेट जो लोगो पर था उससे आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ताकि और वो जो फिर सिक्योरिटी है वो एक बहुत आसान चीज़ है, तो वो तो हम इसमें डाल ही लेंगे। मेन चीज़ है कि हमारा फाइल वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, और हमारा MMC का जो प्रोसेस है वो सही हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए अब हम सेट को ऑन करते हैं। तो देखिए अब हमारा सेट ऑन हो चुका है। आप देख सकते हैं ये देखिए हमारा सेट सेकेंड लोगों पर आ गया है, और हमने इसकी MMC चेंज की है माइक्रोन टू सैमसंग। ये देखिए हमने इसकी MMC चेंज की है माइक्रोन टू सैमसंग। इसको पूरा प्रोसेस समझना है देखिएगा, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और बहुत सारी चीजें इस वीडियो में मैंने बताई हैं। तो हालांकि मैंने इस वीडियो में एक स्क्रीन रिकॉर्डर भी यूज़ किया था अपने UFI का, पर वो समहाउ डिलीट हो गया मेरे से, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं स्क्रीन रिकॉर्डर आपको दिखाऊंगा। बट आई होप कि ये प्रोसेस आपको समझ में आई हो, और आप इसे टेलीकॉम आए और हमारी टीम से पढ़ें, मेरे से पढ़ें और हमारे दुर्गेश सर से पढ़ें, हमारी टीम मिलन सर आपको मिलेंगे MMC में, तो आप सोच नहीं पाएंगे कि आप किस स्तर पर इसको पढ़ रहे हैं। सो हमारा सेट हैंग ऑन लोगो था जैसे कि मैंने बताया, और MMC दोस्तों माइक्रोन तक, माइक्रोन का MMC जनरली डेड होता है तो उसको चेंज करना होता है,
तो इसकी जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है, वो सब कुछ हमने इसमें बताई है। अब आप इसकी फाइल मत मांगिएगा हमसे, फाइल हम स्टूडेंट को ही अलाउ करते हैं, क्योंकि दोस्तों अब हम फाइल आपको दे भी देंगे और आपसे फ्लैश नहीं हुआ तो आप फिर बोलेंगे फाइल गलत है या फाइल सही नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता आपके काम करने का तरीका। इसलिए हम ये जो चीज़ है ये प्रोसेस के साथ देते हैं, हम पहले सिखाते हैं उसके बाद में ये सारी चीज़ देते हैं, ताकि हमें स्टूडेंट को बताने की ज़रूरत ना हो कि फाइल को कैसे यूज़ किया जाए। तो इसलिए फाइल मत मांगिएगा बाकी, और आपको फाइल मिलेगी यहाँ पर, मिलन सर आपको खुद ये सारी फाइलें देंगे। और सिर्फ फाइलों के लिए हम काम नहीं करते हैं, अगर आप हमें मैसेज करेंगे सर हम पैसे दे देंगे तो हम तब भी नहीं दे पाएंगे आपको, आप हमारे पास EMMC पढ़ने आएंगे तो हम आपको ये दे देंगे, और अगर आप हमारे पास हार्डवेयर सॉफ्टवेयर करेंगे तो भी हम आपको सपोर्ट में देंगे ये। तो यहाँ हमारा सेट जो लोगो पे था, जो एक नॉर्मल जो टेक्नीशियंस होते हैं वो बना नहीं पाते हैं, अब हमारा सेट यहाँ पे ऑन हो चुका है और सेकेंड लोगो पर है, थोड़ा सा वेट करते हैं इसमें। तो हमारा फोन चालू हो चुका है, आप देख सकते हैं हमारा टच और ये सारी मन, कई बार होता है सॉफ्टवेयर डालने पर टच वर्क नहीं करता है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर फोन कंप्लीटली रूप से ऑन हो चुका है। तो हमारा फोन कम्प्लीट रूप से ऑन हो चुका है, बट इसमें जो सिक्योरिटी है वो हम इसके बाहर डालेंगे, आप जैसे कि देख सकते हैं, तो सिक्योरिटी हम डाल लेंगे, इसका कोई लोड नहीं है हमको, नहीं आपको होना चाहिए कि सर सिक्योरिटी सिखा दो, ये सिखा दो, वो सिखा दो। भाई मैं हमेशा कहता हूँ हर चीज़ यूट्यूब से सीखी नहीं जाती, ये तो सिर्फ एक डेमो है कि एसर टेली को आपको क्या दे सकता है। और अब ये चीज़ आपको हर कोई बोल सकता है, एक नॉर्मल 10x10 का दुकान वाला आदमी भी बोल सकता है, एक सिंगल व्यक्ति भी बोल सकता है, बट आपको किससे लेना है। कहते हैं आप 100 रुपये आपके पास, और आपको कुछ जो प्रोडक्ट खरीदता है वो 80 रुपये में बिक रहा है, 100 में बिक रहा है, 120 में बिक रहा है, हो सकता है मैं 120 रुपये हूँ, पर 80 वाला तो मार्केट में कहीं भी है, आपके घर के पीछे भी बिक रहा है, तो आप ले नहीं रहे क्योंकि आप जानते हैं वो चीप है। और 100 रुपये वाला बिक रहा है पर उसको गारंटी वारंटी नहीं दे रहा है वो अपनी, बोला चाइना का माल है, शाम को चला नहीं तो जयराम जी की, पर 120 में वो आपको गारंटी दे रहा है, वो एक बड़ी टीम के साथ है, वो आपको सपोर्ट दे रहा है कि कोई दिक्कत होगी तो कॉल लगाओ हम उठाएंगे या वापस आओ, तो वो है हम। आप 20 रुपये के लिए, मात्र 20 रुपये के लिए आप या अपना पूरा पैसा लुटा देना चाहते हैं कुछ पैसा, तो फीस के साथ एडजस्टमेंट मत कीजिए, 5-10-15 हज़ार रुपये के साथ एडजस्टमेंट मत कीजिए, अपनी ज़िंदगी के साथ बड़ा डाउ मत खेलिए। एक बार एसर टेलीकॉम आइए, लाइव जाइए अभी और आज ही देखिए आज के दिन में लाइव क्या बच्चों को दिया जा रहा है, देखिए सर। थैंक यू वेरी मच।